ओम शांति। तुम इस धरा की महान आत्मा हो, उठो। तुम पर भगवान राजी हुआ है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें तो अपने एक एक संकल्प से जग का कल्याण करना है। तुम्हें तो अपनी एक एक क्षण की दृष्टि से सबको सकास देनी है। तुम्हारा तो एक एक सेकंड विश्व कल्याण हेतु समर्पित है। अपने इस जीवन को व्यर्थ संकल्पों में नहीं बिताना है। जरा सोच लें, हमारा संगम युग कैसे कैसे बीता है। जिन उम्मीदों से बाबा ने हमें जन्म दिया था, जो भाग्य की रेखाएं हमारे मस्तक पर खींची थी, जिस महान कार्य की जिम्मेदारी उसने हमें दी थी, क्या वो हम कर रहे हैं या अपनी ही उलझनों में उलझ कर रह गए हैं, या बच्चों के मोहों में ही उलझ कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या तेरी मेरी से हम बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। हम महान हैं, हमें महान कार्य करने हैं। इसके लिए स्वयं को अनेक वरदानों से और शक्तियों से सुसज्जित करना है, क्योंकि हमारे पास जब अथाह खजाने होंगे तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। यदि हम ही दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देखते होंगे तो हम दूसरों को कैसे दे पाएंगे। तो सर्वप्रथम चीज है हम संतुष्ट आत्माएं बने। संतुष्ट वही रहते हैं जो अपनी प्राप्तियों में पूर्ण तृप्त हों। मिल गया, जिनके अंदर से आवाज आती हो, जो कुछ पाना था वो पा लिया, अब कुछ भी बाकी पाना नहीं है। बस भगवान सामने खड़ा है, भाग्य बांट रहा है, प्यार दे रहा है, अपने वरदान दे रहा है। मिल गया, मिल गया। संसार की सभी इच्छाओं और तृष्णाओं से मन मुक्त हो जाए, अनासक्त हो जाए, कर्मेंद्रियों का रस अपनी ओर आकर्षित न करे। किसी को खाने पीने का रस, किसी को देखने का रस, किसी को व्यर्थ सुनने का रस, किसी को बहुत ज़्यादा बोलने का रस, ये रस हमारी शक्तियों को समाप्त करते जाते हैं। जो श्रेष्ठ योगी हैं उन्हें कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त होना है। जो इन रसों से ऊपर उठ जाएं, उन्हें ही यतिंद्रिय सुख भासता है। तो आइए सभी खजानों से अपनी झोली भरें। समय का खजाना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक एक सेकंड बहुमूल्य है। भगवान के महावाक्यों के अनुसार एक एक सेकंड वर्षों के समान है। हम उतना ही समय को महत्व दें जितना बाबा ने इसको महत्व दिया है, तो हमारा जीवन बड़ा महत्वपूर्ण बन जाएगा। हम संसार के काम आएंगे, और ऐसा समय आ रहा है जब हमें सारे संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने होंगे, अपने वरदान देकर उनके दुख हरने होंगे, उनको चैन देनी होगी। तो हम स्वयं को तैयार करें इन महान कार्यों के लिए। तो समय को आप उतना ही महत्व दे रहे हैं या नहीं, जितना इस समय का परम महत्व है, इस पर एक नज़र डाल लें। मेरा संगम युग कैसे बीता और मुझे आने वाले दिनों को कैसे व्यतीत करना है, इसके बारे में आज कुछ लिख लें और चलें आज सारा दिन बाप दादा का हर घंटे में एक बार आह्वान करें। परम धाम में जाकर अपने प्राणेश्वर को निमंत्रण दें।
हमारा मन तुम्हारे बिना नहीं लगता, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। और देखो निराकार परमात्मा अपना धाम छोड़कर नीचे उतर रहे हैं, फिर आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, दोनों नीचे आ रहे हैं, आ गए हमारे सामने और सामने खड़े होकर बहुत प्यार से निहार रहे हैं, वरदानी हाथ सिर पे रख दिया है। ओम शांति।